वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फैक्टरीज। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा दैट इज सर्स एंड इंसिस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं करनिया और घंतांक। तो ये सेशन में हम सर्स एंड इंसिस के बेसिक रूल्स और उसके बेस के ऊपर क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। फर्स्ट देखिए आप लोग, हमारे पास फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, कहता है कि ए रेज टू द पावर एन इंटू ए रेज टू द पावर एन। कभी भी आपको बेस अगर सेम हो और पावर्स डिफरेंट दी हो और उनके बीच में मल्टीप्लाई हो तो हम उन दोनों को क्या कर देते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। यानी कि हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला बन जाता है वो क्या बन जाता है, ए रेज टू द पावर एन प्लस एन। अब मैंने इसी के बेसिस के ऊपर तीन क्वेश्चन दिए हैं। देखिए 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 3, तो दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। और आंसर कितना हो जाएगा, 5 रेज टू पावर 3 इन 3 प्लस 2 दैट इज 5। नेक्स्ट देखिए 3 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 4 और 3 रेज टू द पावर 8। अब सभी के बेस हमारे पास क्या है, सेम है। जब बेस सेम है तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 8 और 4 12 और 2 कितना 14, तो 3 रेज टू द पावर कितना आ गया, 14 आंसर आ गया। आगे देखिए 3 बाय 2 5 और 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 बाय 2 5 प्लस 2 दैट इज कितना 7। तो सिंपली हमारे पास फर्स्ट जो रूल है कि एनीथिंग रेज टू बेस रेज टू द पावर बेस रेज टू द पावर इफ बोथ द बेसिस आर सेम देन वी ऐड द पावर। सेकंड आ जाता है कि अगर दोनों के बीच में बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, लेकिन दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है। पहले हमने मल्टीप्लाई का साइन किया, अब हमारे पास डिवाइड का साइन है। अगर डिवाइड का साइन आता है तो आपकी पावर क्या हो जाती है जी, माइनस हो जाती है। तो देखिए 9 बेस सेम है, यहां 11 है, यहां 7 है, तो 11 में से हमने 7 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो कितना आ गया जी, 4 सच्चा 11। यहां -7 यहां -7 13 में से 9 जो है वो माइनस कर दिया आपने, तो कितना आ गया जी, 4। यहां पे देखिए 3 बाय 4 रेज टू द पावर कितना 2। अगर आपके पास बेस सेम है दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज क्या, 1। देखिए 9 रेज टू द पावर 0 आंसर 1, 7 रेज टू द पावर 0 आंसर 1, 3 रेज टू द पावर 0 आंसर 1। किसी भी चीज के ऊपर अगर रेज टू द पावर 0 हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट देखिए ए रेज टू द पावर एम और एन, तो हम एम और एन है तो इन्हें क्या कर देते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 2 रेज टू द पावर 3 फिर ब्रैकेट के बाद फिर से 4 है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 3 रेज टू द पावर कितना 12। 4 को 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहां 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 दैट इज कितना 15। ये बेसिक इनके रूल्स हैं, इन्हीं रूल्स के ऊपर हम इनके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो पहले मैं आपको जरा बेसिक जो है वो सारा क्लियर कर दूं। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ टाइप में देखिए ए रेज टू द पावर एन मल्टीप्लाई बाय बी रेज टू द पावर एन, तो ए बी रेज टू द पावर एन, यानी कि देखिए 2 और 3 है दोनों की पावर सेम है तो अंदर इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6, ऊपर जो है आपके पास बेस सेम है। देखिए माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा याद रखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा किसमें आता है, पॉजिटिव में आता है। -4 -2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 8 रेज टू द पावर कितना 3। ये 3 है ये 2 है तो माइनस का साइन आएगा, -6 रेज टू द पावर कितना 7। नेक्स्ट आ गया आपके पास ए रेज टू द पावर एन बी रेज टू द पावर इज इक्वल टू ए अपॉन बी होल रेज टू द पावर क्या, एन। 3 बाय 5 रेज टू द पावर 3, तो 3 को 3 बार गुणा कर दिया दैट इज कितना 27 और 5 को 3 बार गुणा कर दिया कितना 125। -2 को जब 5 बार गुणा करेंगे, देखो 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आएगा, लेकिन जब ऑड नंबर है तो साइन नेगेटिव लगेगा, -32। और 3 को 5 बार करेंगे 9 दैट इज 81 इंटू दैट इज 243। 3 को 3 बार, पावर का हमेशा मतलब ये होता है कि उसे उतनी बार क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। अब देखिए ए रेज टू द पावर -1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1/8, यानी कि अगर कभी भी किसी के सिर के ऊपर माइनस लिखा होगा तो उसे हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जैसे मेरे पास था 3 रेज टू द पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 रेज टू द पावर क्या 3। 2/3 है तो इसका क्या बन जाएगा, 3/2 रेज टू द पावर 5। जब आप इसको उल्टा कर देंगे तो
माइनस का जो साइन है वो आप क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये हमारे पास इसके कुछ बेसिक बेसिक टाइप्स है। नाउ नेक्स्ट टाइप देखिए, टाइप नंबर एक, किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर अंडर रूट लगा है, जैसे ए अंडर रूट के अंदर है तो दिस इज ए रेज टू द पावर 1/2, अगर 3 लगा है तो दैट इज 1/3, अगर 4 लगा है तो दिस इज 1/4। अब आप लोगों को कुछ इस तरह से क्वेश्चन पे एग्जाम में आ सकते हैं, कहता है 243 रेज टू द पावर 3/5। देखिए जब कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो ये जो नीचे वैल्यू दी होती है ना 5, आपको 243 को 5 में तोड़ना है, यानी कि किस नंबर की पावर आप 5 बार करते हैं तो 243 आता है, तो वो होती है हमारे पास कितनी की 3, यानी कि मैं इसका ऐसे लिखता हूं 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5, क्योंकि अगर 3 को मैं 3 बार गुणा करूं तो 243 आएगा, तो 5 से 5 कट गया, 3 रेज टू द पावर 3 दैट इज कितना 27, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 27। अब 1/16 माइनस 5/4 है, अभी मैंने आपको बताया है कि जब ये माइनस का साइन लगा होता है तो हम इसका उल्टा कर देते हैं, तो 1/16 का उल्टा कर देंगे बेटा तो कितना आ गया मेरे पास 16 रेज टू द पावर 5/4, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में मैंने आपको बोला कि आपको ये पावर एलिमिनेट करनी है जो नीचे पावर है, तो 16 जो है 4 की पावर में लेके आनी है, तो वो कैसे आएगी, वो आती है 2 रेज टू द पावर 4, 2 को अगर 4 बार गुणा करूं तो 16 ही आएगा, तो 4 से 4 कट गया, 2 की 5 कितनी जी 32, तो राइट आंसर इस कितना 32। इसी तरह से देखिए 32 माइनस 1/5, अब माइनस का साइन लगाना है तो ये क्या बन जाएगा 1/32 रेज टू द पावर 1/5, 32 है, 32 किसकी पावर 2 की पावर 5, 5 से 5 कट गया तो आंसर कितना आ गया आपका डायरेक्टली 2। 36 है, देखो 36 6 में अब ये किसी तरह नहीं आता, लेकिन 36 किसकी पावर होती है 6 की पावर 2 इंटू क्या 1/3, अब 2 से ये कट गया आपके पास तो 6 रेज टू द पावर कितना बन गया 1/3। अब आप ये देखिए 6 रेज टू द पावर 1/3, ये देखिए a रेज टू द पावर 1/3 दैट इज अंडर रूट, यानी कि इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी दैट इज अंडर क्यूब दैट इज 6। अब ये a रेज टू द पावर अंडर रूट फिर 1/3, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो अंडर रूट खोलेंगे तो 8 का अंडर रूट खोला तो 1/2 आया, उसके बाद कितना आया 1/3 आया, अब आप 8 को तोड़िए, 8 को तोड़ के क्या लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 3 1/2 1/3, 3 से 3 कट गया 2 रेज टू द पावर 1/2 दैट इज कितना अंडर रूट 2, राइट आंसर इज कितना अंडर रूट 2। अब यहां चलिए 32 243, और माइनस, जब माइनस आ गया तो मैंने क्या बोला था कि वैल्यूज को उल्टा कर दो, 243/32 माइनस है 4/5, अब 243 और 32, ठीक है जी, एक 4 है और एक क्या है 5 है। अब देखिए 243 और ये, अब सॉल्व कैसे होगा, 243 जो है वो 3 की पावर है और 32 जो है वो 2 की पावर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय क्या 4/5, 5 से 5 कट गया, पावर बची कितनी 4, तो 3 की 4 दैट इज कितना 81 और 2 की 4 दैट इज कितना 81/16। 216 माइनस में है तो देखिए 216 माइनस में है तो पहले इसको उल्टा कर दीजिए, तो ये कितना आ गया 216 के सिर के ऊपर 2/3, डिवाइड का साइन एज इट इज, 27 के सिर के ऊपर 4/3, माइनस का साइन है नीचे, डिवाइड का साइन है, तो पहले तो इसकी पावर सॉल्व करते हैं, 216 3 में 6 से जाएगा, देखिए 6 की 3 गुना 2/3 डिवाइड 27 है, 3 की 3 गुना 4/3, 3 से 3, 3 से 3, 6 की 2 यानी कि 6 गुना 6 डिवाइड 3 की 4, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 दुनी 6 और 3 दुनी 6, 2 दुनी 4, 3 की 9 यानी कि 4/9 इसका क्या हो गया आंसर आ गया। 243 आपके पास माइनस की पावर है तो मैंने बोला था माइनस होता है तो बेटा क्या करना है उल्टा करना है, तो 343 माइनस 2/3, 343 7 रेज टू पावर 3 इंटू 2/3 कट गया, 7 की 2 दैट इज कितनी बेटा 49, राइट आंसर इज 49।
अब इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको इसको तोड़ना है। 27 है, 27 का मतलब 3 × 3 × 3, अंडरवुड में चीज बाहर कब आती है, जब एक जोड़ी बनती है, तो 27 में 3 3 है तो एक जोड़ी बाहर आ जाएगी, 1 3 अंदर बचेगा, यानी कि ये बन गया 3√3 − √3 + 243 जो है, 243 3 × 5, 1 2 3 4 5, दो जोड़ियां हैं तो 2 9 3 बाहर आ जाएंगे, यानी कि 9 अंदर बच गया 3, यानी कि 9 अंदर बच गया 3। अब देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है, 9 और 3 12, 12 में से एक गया कितना चला गया 11, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 11√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 2 8 8 5 4 3, तो सबसे पहले तो हम इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे पहले हम, देखो 2 8 5 8 5 / 4 3, इसको 2 2 लिख सकता हूं, 4 को 4 2 2 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 6, 2 6 × 8 3। अब ये डिवाइड में है तो पावर माइनस होगी, 8 में से 6 चला गया 2 × 8, 5 में से 3 चला गया कितना 2, तो 2 2 × 2 × 8 2। इस क्वेश्चन में देखिए, अब यहां पे ये 4 है, ये 3 है और ये 32 है, फिर से वही करेंगे हम, सभी को इक्वेट करेंगे, तो 2 3 एज इट इज 3 4 × 2 2, 4 को लिख सकता हूं, इधर 3 एज इट इज 32 को लिख सकता हूं 2 5। अब देखिए 3 और 2 5, 5 में से 5 माइनस कर दिया, आया 0, 2 0 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 2 0 = 1, 3 × 3 = 3, 27 आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है घांटते और करनिया सर्ज एंड मिसेस के आप लोगों के बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, फर्स्ट नाइन्थ टाइम देखिए, कहता है 2 2m = 3 × 4, और यहां पे हमें n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होती है, तो मैंने आपको पहले बताया था इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए दिस इज इक्वल टू 2 2m बराबर है 2 कितना 12। जब कभी भी देखिए बेस सेम हो तो पावर को इक्वेट किया जा सकता है, अब यहां बेस सेम है तो लिख सकता हूं मैं कि 2n = कितना 12, आप देखिए अब हमारे पास 2n की वैल्यू कितनी आ गई है 12 आ गई है, यहां पे 2n = 12, क्योंकि ये बेस सेम है तो पावर इक्वेट की जा सकती है, तो n यहां मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए डिवाइड में वैल्यू है, तो जब डिवाइड में वैल्यू है तो पावर क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगी, 5n − n = 4, तो ये बन गया आपके पास 4n = 4 n = 1। इस तरह से इसी क्वेश्चन में आपको n की वैल्यू पूछी जा सकती है। नेक्स्ट 10th टाइप की देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट, √2 और 3 √3। देखिए इसमें ये √2 है और ये √3 है, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इनके बराबर करना है, इसे और इसे बराबर करने के लिए यहां इसका मतलब होता है कि यहां पर कितना है 2 है, तो देखिए 2 और 3 का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ गया 6, तो जब एलसीएम 6 आ गया तो √6 √6 लिख लेंगे, जो बेस है वो बेस एज इट इज लिख देंगे। अब यहां पे देखिए 2 है पावर, तो 2 को 6 से आपने डिवाइड किया, कितना आया 3, जो डिवाइड करके आएगा वो अंदर इसकी पावर में लिख देंगे, 3 को 6 से डिवाइड किया तो अंदर कितना आया 2। अब देखिए 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और 3 की पावर 2 कितना होता है 9। अब ये √6 8 बन गया, ये √6 कितना बन गया 9 बन गया, यानी कि इसे आप ऐसे ले सकते हो 6√8 और 6√9, तो बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है √3। उसी तरह देखिए 4 2 और 3, ये 2 है, ये 3 और 4 है, यदि इसके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12 12 और 12, 6 था 4 3 था, तो 6 के ऊपर कितनी पावर आ गई 3, यहां 2 था डिवाइड किया इससे तो 6 आया 2 6, यहां 3 था तो डिवाइड किया 4 4। अब 6 3 दैट इज 216, 2 की दैट इज 64, 4 की
16 × 256। सबसे बड़ी वैल्यू 3 अंडर क्यूब 4। उसी तरह से आप 2, 3 एंड 4 बड़ी भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर से अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12। 12 आया कहां से, 2, 3 और 4 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब 2 है ना, तो 2 रेस्ट टू दी पावर कितना 6, 3 रेस्ट टू दी पावर कितना 4 एंड 4 रेस्ट टू दी पावर कितना 3। 4 रेस्ट टू दी पावर 3 इज 64, 3 रेस्ट टू दी पावर 4 इज 81, 2 रेस्ट टू दी पावर 6 इज 64। अगेन बड़ा कम है 3 अंडर क्यूब 3। 11th टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको इन्फिनिटी सॉल्व करने को और यहां पे कोई वैल्यू दी होगी तो आपने करना क्या है, इस वैल्यू को तोड़ लेना है। 20 को इस तरह से तोड़ना है ताकि जो इनके मल्टीपल आए वो है को प्राइम, तो 20 के को प्राइम आगे भी 4 और 5, यानी कि 4 और 5 जो है अगर आप डिवाइड करो तो सिर्फ 1 से डिवाइड होने चाहिए। हमेशा जो यहां नंबर दिया होगा उसको इस तरह से तोड़ना है कि अंदर को प्राइम नंबर आए। अब अगर बीच में प्लस साइन है तो बड़ा जो नंबर है वो आंसर होगा, अगर माइनस साइन है तो कितना होगा माइनस छोटा जो है वो आंसर होगा। अब यहां देखिए इस 20 की जगह आपको क्या सकता है 42, तो 42 को कैसे तोड़ेंगे 6 और 7, अगर बीच में प्लस साइन है तो 7 आंसर आएगा, माइनस साइन है तो 6 आंसर आएगा। 42 की बजाय यहां हो सकता है 72, तो 72 8 और 9 में टूटेगा, तो अगर प्लस साइन है तो 9 आंसर है और अगर माइनस साइन है तो 8 आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं टाइप नंबर 12 पे। अगर 12 टाइप का क्वेश्चन आता है जैसे अंडर अंडर रूट 8, अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 अप टू इंफिनिटी ये जाए, तो जो वैल्यू यहां अंदर दी होती है वही आंसर होता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 8 ही होगा। अगर यहां 9 दिया है तो 9 होगा, 2 दिया है तो 2 दिया। अब ये है हमारे पास, देखिए इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, ये अप टू इंफिनिटी जाएगा, ये अप टू इंफिनिटी नहीं जाएगा। अब इसका आंसर कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू अंदर दी है उसको हम x मानते हैं, x 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n। अब ये जो n है ये नंबर ऑफ अंडर रूट होते हैं, आपको ये कैलकुलेट करने हैं। x मींस जो नंबर दिया है, तो 6 2 रेस टू अंडर रूट कितने हैं 1, 2, 3, 4, 4 अंडर रूट है, तो 2 रेस टू दी पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 रेस टू दी पावर 4। 2 रेस टू दी पावर 4 इज 16, 16 माइनस 1 इज 15, तो 6 रेस टू दी पावर 15 अपॉन 16, दिस इज योर आंसर। राइट, यहां पे कोई भी नंबर दिया हो तो आपने उस नंबर को लिखना है, उसके ऊपर जितने अंडर रूट है उसकी पावर करनी, उसमें से माइनस 1 करना है। एक इस तरह से क्वेश्चन है आप लोगों को बनता है, तो इसको हमेशा उल्टी तरफ से सॉल्व करते हैं। ये देखिए आप 49 का जी अंडर रूट करेंगे, थोड़ा सा यहां अंडर रूट आएगा इस तरह से, 49 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 7, 29 में 7 आपने ऐड कर दिए कितना हो गया 36, 36 का आपने क्या किया फिर अंडर रूट किया, आ गया आपके पास 6 और 19 में 6 आए हुए। देखिए सबसे पहले आपने यहां इसका 7 आ गया, 7 और 29 ऐड किए तो 36 बना आपके पास, तो फिर यहां आपके पास बनेगा 6, 19 और 6 25 अंडर रूट करेंगे 5, 11 और 5 कितना हो गया जी आपके पास 16, 16 अंडर रूट करेंगे 4, 5 और 4 9, 9 का अंडर रूट करेंगे कितना आएगा आंसर 3। यानी कि कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने कहां से चलना है, उल्टी तरफ से सीधी तरफ को चलना है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सर्व्स एंड इंसिस, जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी टाइप मैंने आप लोगों को डिस्कस किए हैं। इसका पीडीएफ लिंक आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं। कोई भी मैथ्स का जो हम टॉपिक कराते हैं उन सभी का पीडीएफ लिंक जो है वो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला होता है, ताकि आप उसके लिए प्रैक्टिस के ऊपर क्वेश्चन कर सकें। थैंक्स टू बी द पार्ट ऑफ एप्टिविस, होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Thanks to the part of activist. Jai Hind, Jai Bharat.